ढाई घंटों की ट्रैकिंग होगी। जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड पे खूबसूरती अडंग केल की। और इसकी खूबसूरती के बारे में हो सकता है कि मैं बहुत कम बोलूं, लेकिन इसकी खूबसूरती देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ही खूबसूरत ये एक पूरी मेडो है। यहाँ पर नेचुरल जो है वो हाउस बिल्डिंग की गई है लकड़ी के फाइबर से, लोहे की फाइबर से। तो आइए देखें, ये सारे जो है वो गेस्ट हाउसेज हैं। और यहाँ पर आपको शहरों की तर्ज में या दूसरे जो है वो जितने भी ऐसे टूरिस्टिक एरियाज़ हैं उसी तरह यहाँ पर आपको सर्विसेज मिलती हैं। और टूर जो है वो यहाँ पर टूर ऑपरेटर्स ग्रुप्स लेकर आते हैं, इंडिविजुअल टूर्स यहाँ पर आते हैं। और इस एरिया से जो है वो बहुत सारी मेमोरीज़ को स्टोर किए, बहुत सारी यादों को लिए यहाँ से वापस लौटते हैं। बस सिर्फ ये है कि केल से अडंग केल तक आप केबल कार से आते हैं, और केबल कार स्टेशन से जब आप ऊपर आते हैं थोड़ी सी ट्रैकिंग है, वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। समटाइम यहाँ पर जब बारिश जो है वो आपके सामने आती है तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। अलबत्ता जब आप उस ट्रैक को पूरा करके जब आप इस मेडो में आते हैं तो वो सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। मैं अपने पूरे वसूक से ये कहता हूँ कि ये वो वाहिद मेडो है कि जिस किस्म की जो ये मैदानी है, जिस किस्म के यहाँ पर होटलिंग बनाए गए हैं और जिस किस्म के यहाँ पर जो है मैदानी है, ये आपको बहुत से कम जगहों पर देखने को मिलेगी। तो आज के इस व्लॉग में यही कुछ दिखाएंगे। और डेफिनेटली ये मेरा दूसरा जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर का दूसरा दिन है, और तीसरा पार्ट भी आएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि पाकिस्तान के इन खूबसूरत इलाकों को दीगर लोगों तक भी पहुँचा सकें। अडंग केल का ये फॉरेस्ट साइड है, जब आप आएँ तो इस फॉरेस्ट को विजिट करना मत भूलिए, क्योंकि इसके अंदर भी कुदरत की जो असल खूबसूरत का रंग है, सरसब्ज जो घास है, जो बाग है, उसका असल जो रंग है वो यहाँ नमूदार होता है। Yeah.
भाई गोली।